नई प्रथा शुरू हो गई, जब जब चीखो तब तब सारो। नहीं मैं बॉस भी नहीं हूँ, बोलना चाहिए, इट्स अ गुड हैबिट। लेकिन क्या है, कुछ लोग होते हैं ना, हर बात को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। वो चीखते बात पे हैं, सॉरी पहले बोलते हैं। अभी यही 2 दिन पहले मैं मेट्रो में जा रहा था, वहाँ एक भाई साहब तो शुरू ही हो गए, आछू सॉरी। चला ऐसा लग रहा था कोई गधा ढेंचू कर रहा है। चले रुकने का ही नाम नहीं। लोग यूट उठ के देखने लगे कि मेट्रो में एक गधा कहाँ से आ गया। मैं बोला भाई पहले छींक ले, बाद में सॉरी बोलते बैठी हो। अब मालूम है उसने रिप्लाई क्या दिया, आछू सॉरी। मैं छोटा था, मैं फास्ट फूड का बहुत शौक था, नहीं अब भी है, लेकिन दादी का हमेशा एक ही डायलॉग था, अंग्रेज चले गए इनको यहीं छोड़ गए। मतलब अब खुद ही देखिए कितना चेंज हो गया है, कॉर्नफ्लेक्स, ग्रीन टी, राहुल गांधी। लेकिन मेन चीज जो अंग्रेज छोड़ गए वो है अंग्रेजी। मतलब एक रिपोर्ट में आया यूएसए के बाद इंडिया पे सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं। मतलब आयरन ही देखो, अंग्रेजों को ही पीछे छोड़ दिया। अब प्याज को ही देख लो, यूएसए में लोग उसको ऑनियन बोलते हैं, यूके में लोग अनियन बोलते हैं, लेकिन इंडिया में बोलते हैं साले इतना महंगा है कौन लेगा। अच्छा इंग्लिश के वर्ड्स मालूम होना भी बस जरूरी नहीं है, उसका कौन सा वर्जन चल रहा है वो भी पता होना जरूरी है। पिक्चर नहीं पिक, वॉमिटिंग नहीं प्यूकिंग। सर मतलब ये सोचता कौन है, अब बे वर्जन पुराना हो गया, अब नया वर्जन लाएंगे हम। सर बिल्लियों से कुछ सीखो यार, इंटरनेशनली एक ही ब्रांड चल रहा है उनका, म्याऊ। अच्छा मैं पढ़ने के लिए गया था नागपुर, वहां पे मैं सोचा चलो अब आए हैं तो इंग्लिश भी सीख लिया जाए। गूगल पे सर्च किया तो रिजल्ट क्या आया, एक हफ्ते में वही इंग्लिश सीखोगे, हे हाय व्हाट्सअप रूफ। अच्छा जब उससे काम नहीं बना तो हमने भी वही किया जो सब करते हैं, ओपन कर लिया टिंडर। मतलब लड़कियां इतनी इंग्लिश लिख देंगी कि सब एक हो जाता है। अच्छा एट फर्स्ट आई डिडंट नो व्हाट टिंडर इज, ओके मैं बहुत शरीफ हूँ। सो आई स्टार्टेड आस्किंग व्हाट इज टिंडर एंड गाइस टोल्ड मी इफ यू वांट टू हुक अप जॉइन टिंडर। मतलब ऐसी इमेज बना रखी है कि टिंडर खोला और कोठे में पहुंच गए। अच्छा इफ एनी ऑफ यू गाइस और गर्ल स्टार्ट टिंडर, यू विल सी पीपल पोस्ट दिस स्लाइट स्ट्रेटजिक क्लासिक लुक पिक, बट नन ऑफ देम विल राइट एनीथिंग अबाउट देमसेल्फ लाइक हाउ हॉट डू यू थिंक यू आर। नहीं मतलब यू कांट गो टू वाइवा एंड टीचर्स आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू आर लाइक मैं नहीं बताऊंगा। कुछ लोग तो भगवान की पिक डाल देते हैं, एक बंदे ने कृष्ण जी की पिक डाल दी, मैं देख के बोला अरे कृष्ण जी यहाँ भी अभी भी। अच्छा मैं देख ही रहा था ना तो एक लड़की ने लिखा नॉट हेयर फॉर हुकअप, नॉट हेयर फॉर रिलेशनशिप, नॉट हेयर फॉर फ्रेंडशिप, देन आर यू हैव टू बी मनमोहन सिंह। अच्छा टिंडर पे ना गाइस को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, बहुत सेट मामला है उनका, उनको बस करना है हो, क्या करना हो, साय दे, सुरेश साय दे, साय दे, थैंक यू गाइस।